मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और हमारी जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी अगर हम इस साल का डाटा देखेंगे करीबन करीबन हमारे अनंतनाग के जिले में ही ज्यादा से ज्यादा अगर हम ये नहीं कहें तो नवंबर तक जो हमारे पास डेटा है मोर देन 700 डेथ्स से वापस। ये थोड़ा सा एक जो मैं अभी कागज के बारे में आपको बता रहा था कि हम इस सेफ रोड सेफ्टी को क्यों मना रहे हैं, इसको हम इस मुद्दा और मकसद से मना रहे हैं कि ये फैटलिटीज या एक्सीडेंट्स जो है या डेथ जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है इनको किस तरह मिनिमाइज किया जाए। नेक्स्ट, ये अगर आप देखेंगे कि विदाउट हेलमेट अगर आप बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो 47,000 डेथ्स जो लास्ट ईयर का जो डेटा हमारे पास मनीषिया Hello. Then I would like to thank Principal Government Women's College Anantnag for their presence and providing us such a wonderful venue for this event. इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा CMO साहब का कि उन्होंने भी अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे वो तशरीफ आवर हुए और इस मौके की जीनत बढ़ाई। उनका इसलिए भी बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि वो पूरा हफ्ता हमारे साथ इस रोड सेफ्टी वीक में हमारे साथ साथ रहे और हमारा हौसला बढ़ाते रहे। देन आई वुड लाइक टू थैंक CEO अनंतनाग एंड DMO अनंतनाग फॉर देयर प्रेजेंस ऑन दिस ओकेजन और वो भी हमारे साथ इस पूरे हफ्ते में जितने भी हमने प्रोग्राम किए उसमें हमारे साथ शरीक रहे। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो भी हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के नुमाइंदे आए हैं या ड्राइवर साहबान आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वो भी हमारे साथ जितने भी हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किए पूरे हफ्ते में उसमें हमारे साथ रहे और इस पूरे हफ्ते को कामयाब बनाने में अपना रोल अदा किया। देन आई वुड लाइक टू थैंक जो भी हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो भी हमारे दोस्त हैं मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आज यहाँ पे आए इस प्रोग्राम को कवर किया, ना सिर्फ आज बल्कि वो भी पूरा हफ्ता जो है हमारे साथ साथ रहे और हमारी मैसेज जितने भी चाहे RTO साहब ने चाहे हमने या मिलके जितने भी हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए उनको लोगों तक पहुँचाने में अपना अहम रोल अदा किया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमारे मीडिया के फ्रेंड्स के बगैर हमारी जो मैसेज है ये शायद हमारे पास ही रह जाती, ये लोगों तक नहीं पहुँच जाती, इसलिए इनका स्पेशल थैंक यू मैं करना चाहूँगा। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भी अपना वक्त निकाल के यहाँ पे वो तशरीफ़ लाए और मैं समझता हूँ कि हमारी इस मैसेज के सबसे बड़े एम्बेसडर्स अगर हैं तो वो हमारे स्टूडेंट्स ही हैं। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो भी हमारे कल्चरल इवेंट में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े मज़ाहिया अंदाज में एक मैसेज हमारे सामने रखी। उसके बाद जितने भी हमारे कुलीग्स हैं चाहे वो